जय माधवी कृष्णा। हमने कई लोगों को राधा रानी को काल्पनिक बोलते हुए सुना है। आज हम आपको मेरा चरित के आधार पर वो घटना बताएंगे जिसमें भक्त शिरोमणि और गंगा स्वरूपिणी मीराबाई की मुलाकात श्री राधा रानी से हुई। वृंदावन की दिव्य रात्रि में श्री चंपा जी और मीरा गिरिराज में स्थित निकुंज के द्वार पर पहुंचे। वहां पर खड़ी एक रूपसी ने मीरा को माधवी कहकर पुकारा। मीरा क्षण भर में सोच में पड़ गई। किशोरी जी अर्थात राधा मीरा के त्याग और प्रेम की बहुत प्रशंसा करती थी। वो निकुंज में बैठकर मीरा का ही इंतजार कर रही थी। अगले कक्ष में प्रवेश करते ही मीरा न रही। उसका रोम रोम रस सागर से भर गया। सामने विराजित नीलवर्णी मयूर मुकुटी श्याम सुंदर और स्वर्ण चंपक वर्णी श्री राधा की दृष्टि मीरा पर पड़ते ही वो अपना आपा ही खो बैठी। राधा रानी के संकेत पर चंपा मीरा को लेकर उनके समीप ले गई। मीरा ने श्री राधा श्याम के चरण कमलों पर सर रखा। राधा रानी के अलौकिक सौंदर्य से मीरा की चेतना ही हर ली थी। श्री राधा रानी ने मीरा की ओर अतिशय स्नेह से देखकर बोला, सुनो माधवी, अभी तेरा देह इस संसार में कुछ ही समय तक रहने वाला है। मीरा चौंक पड़ी, वो रोने लगी और रुदन स्वर में उसने कृष्ण से कहा, मैं जन्म जन्म की अपराधिनी हूँ, पर आप करुणा सागर हो, दया निधान हो, मेरे अपराधों को नहीं अपनी करुणा को ही देखकर अपनी इस माधवी को इन्हीं चरणों में पड़ी रहने दो प्रभु। जगत की मीरा को मर जाने दो, अब और विरह नहीं सहा जाता प्रभु, नहीं सहा जाता। ये सुनकर कृष्ण के नेत्रों में आंसू आ गए। अपने प्रभु के नेत्रों में अश्रु देखकर मीरा बहुत दुखी हो गई। वो प्रभु से बोली, प्रभु मैं रहूंगी, जो भी आप मेरे लिए निर्धारित करोगे प्रभु मैं वही रह लूंगी। प्रभु आप प्रसन्न रहे, आपके निर्णय में न्याय में ही मेरी प्रसन्नता है। मीरा ने अपने आंचल से अपने आंसू पोंछते हुए कृष्ण से कहा। श्याम सुंदर मधुर स्वर में बोले, प्राकृत देह से यहाँ मेरी कृपा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता मीरा। यहाँ केवल भावदेव अथवा चिन्मय देह ही प्रवेश कर पाता है, परंतु माधवी अब तुम्हारा देह पूर्णतः प्राकृत नहीं रहा। यहाँ प्रवेश पाकर अब ये देह अलौकिक हो गया है। देखने में भले ही साधारण लगे, पर माधवी अब तुम्हारा देह ना अग्नि जला सकता है, ना इसको जल डुबा सकता है, ना पवन सुखा सकता है। वर्षों तक पड़े रहने पर भी ये देह विकृत नहीं होगा। तेरा ये देह धरा पर पड़ने के योग्य नहीं। मीरा बोली, अपनी सेविका से क्या संकोच, जो भी हो निसंकोच कहिए, दासी वही करेगी जो प्राण संजीवन को प्रिय हो। कृष्ण बोले, संसार में रहकर कुछ वर्षों तक भक्ति भागीरथी प्रवाहित करती रहना मीरा, तेरी अलौकिक प्रीति भक्ति विरक्ति और प्राण परित्याग लीला देखकर भी इस घोर कलयुग में भी लोग भक्ति की ओर आकर्षित होंगे। मीरा तुम्हारा नाम पढ़ सुनकर लोग कठिन से कठिन यातना सहकर भी भक्ति करेंगे, तुम्हारी दृढ़ता उन्हें प्रेरणा देगी लोक कल्याण के लिए, बस कुछ समय और। ये कहते हुए ठाकुर जी रोने लगे। मीरा बोली, लोक कल्याण के लिए नहीं प्राणधान, आपकी इच्छा के लिए रहूंगी, आप जब तक चाहेंगे मैं तब तक रहूंगी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य प्रभु, आप मेरी ओर से निश्चित रहे और तनिक भी खेद न करें। मीरा अपने आप को संभालते हुए बोली। ये सुनकर ठाकुर जी बोले, खेद नहीं माधवी,
मुझे स्वयं तेरा वियोग असह्य हो जाता है। मैंने ही तो तुझे इस आनंद सागर से दूर झपट का, अत्यंत कठोर हूँ मैं, बहुत कठोर हूँ मैं, ठाकुर जी रोते रोते बोले। मीरा कृष्ण के नेत्रों में अश्रुओं को देखकर बोली, जीव अपने ही कर्मों से कष्ट पाता है प्रभु, आपने तो पल पल मेरा संभाल किया है, आपकी कृपा ने ही तो प्रत्येक विपत्ति को फूल बना दिया। मीरा यह कहकर उठकर जाने के लिए प्रस्तुत हुई। श्याम सुंदर ने मीरा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और पूछा, और कुछ चाहिए क्या माधवी? मीरा बोली, बस प्रभु सहन शक्ति, आपका मधुर नाम और यह आपकी मनोहारी मूर्ति मेरे नैनों में बसी रहे, बस यही एक अभिलाषा है प्रभु। मीरा ने कहा, ये तो पहले से ही तेरे अधिकार में है मेरी मीरे, और क्या करूं मैं तेरे लिए? मीरा बोली, मुझे भुला मत देना प्रभु। कहते कहते मीरा के नेत्र पुनः भर आए। तभी कृष्ण ने ललिता सखी को बुलाकर ये आदेश दिया कि अगले कई दिनों तक ललिता मीरा का ध्यान रखेगी। ललिता ने भी मीरा को पूर्व जन्म की स्मृति करा देने का आश्वासन कृष्ण को दिया। फिर मीरा जैसे ही जाने लगी तो वो ललिता सखी की ओर देखकर बोली, एक बार मेरी किशोरी जी के दर्शन मुझे करा दो ललिते। ललिता सखी बोली, चलो मीरा, क्यों नहीं सखी? कहकर ललिता उसे निकुंज महल के द्वार की ओर ले आई। हे करुणामयी राधे, कहते हुए मीरा ने स्वामिनी जी के अमल धवल चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। स्वामिनी जी बोली, उठ बहन, तेरे कलुष का निवारण हुआ। किशोरी जी ने मीरा के सर पर स्नेह से हाथ फेरा और बोला, जब तक तुम वृंदावन में हो तब तक ललिता तुम्हें सब कुछ समझाएगी और दिखाएगी, तुम अधीर न होना मीरे। श्याम सुंदर अत्यंत करुणामय है, उनके प्रत्येक विधान में जीव का मंगल ही मंगल निहित है, अतः घबराना नहीं, अंत में तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगी मीरा। राधा रानी ने अपने मुख का सुवासित प्रसादी पान देकर पूछा, और कुछ चाहिए क्या माधवी? मीरा बोली, ऐसी उदार स्वामिनी से मैं क्या मांगू, जो सब कुछ देकर भी पूछती है कि क्या चाहिए, अब तो बस आपकी चरण रज का आश्रय चाहिए। ऐसा कहते हुए मीरा ने राधा रानी के चरणों के नीचे की मिट्टी उठाकर अपनी ओढ़नी के छोर में बांध ली। ऐसी रही राधा रानी और मीराबाई की पहली मुलाकात। जय श्री राधे, जय श्री भक्त शिरोमणि मीराबाई, जय माधवी कृष्णा।